साथियों, आज पूरी दुनिया भारत के टूरिज्म सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, एविएशन सेक्टर में, मैन्युफैक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस का प्लान आपकी संपत्ति पर 55% टैक्स लगाने का है। कांग्रेस के शाहजादे की उनकी विदेश यात्राओं का राज खुल गया है। वहां से कांग्रेस के शाहजादे के एक एक्सरे मशीन लाए हैं और पब्लिकली बोलते हैं कि उनकी सरकार बनने के बाद देश का एक्सरे किया जाएगा और एक्सरे मशीन से कांग्रेस आपकी संपत्ति की जांच करके उसे अपने वोट बैंक में बांटना चाहती है। मान लीजिए यहां किसी फिशरमैन के पास 2 वोट होगी और वो जीवन के अंतकाल में वो 2 वोट अपने बेटे को देना चाहता है तो नहीं दे पाएगा। कांग्रेस ऐसा कानून ला रही है कि उसमें से 1 वोट सरकार जब्ता कर लेगी, 1 ही वोट अपने संतान को दे पाएगा। और आप जानते हैं ना कांग्रेस का पसंदीदा वोट बैंक कौन है, इसलिए पूरा देश कांग्रेस पर इल्जाम लगा रहा है और मुखर होकर बोल रहा है देश, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। भाइयों और बहनों, भाजपा ऐसे काम करती है जिससे देश को खुशी मिले, हर नागरिक को खुशी मिले, आपको खुशी मिले, लेकिन कांग्रेस ऐसे काम करती है जिससे देश विरोधी ताकतों को खुशी होती है। आप देखिए इन्होंने ईवीएम को लेकर कितना झूठ बोला भाई। आए दिन चुनाव हार गए तो क्यों, ईवीएम। चुनाव हारना हारना तय है तो क्यों, तो ईवीएम। जब चाहो तब ईवीएम को गाली दो, जब चाहो ईवीएम को गाली दो। हिंदुस्तान के नागरिकों का ईवीएम से विश्वास उठ जाए उसके लिए जितनी कोशिश होती है की, इन्होंने भारत के लोकतंत्र के खिलाफ अविश्वास पैदा करने की कोशिश की, लोगों को भड़काने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ईवीएम सही है, ईवीएम से होने वाला चुनाव सही है, ईवीएम के उपयोग से भारत का लोकतंत्र मजबूत भी हुआ है, भारत का लोकतंत्र आधुनिक भी हुआ है। अब मुझे बताइए, इतने सालों से कांग्रेस का झूठ चल रहा है, क्या कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? कांग्रेस ने देश की माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? ये माफी नहीं मांगेंगे, ये अहंकार में 7वें आसमान पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन ये मोदी को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।